एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की हम बात करें तो ये मार्वल हिस्ट्री की अब तक की सबसे लंबी मूवी होने जा रही है, क्योंकि इसका रन टाइम 5 घंटे बताया गया है। एक नई रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में डिवाइड होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, जस्ट लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। जेफ स्नाइडर की एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर्स का रन टाइम 5 घंटे का है। अब भाई यार, सीक्रेट वॉर्स इवेंट भी तो बड़ा है, बल्कि मुझे तो ये 5 घंटे भी कम लग रहे हैं। सीक्रेट वॉर्स रिलीज करने से पहले तो इन्हें अभी कई सारे सुपर हीरोज का क्रॉसओवर दिखाना है, क्योंकि इसमें मार्वल यूनिवर्स के लगभग सारे हीरोज और विलन्स भरे पड़े हैं, जैसे कि एवेंजर्स, एक्समैन फैमिली, फैंटेस्टिक फोर, स्पाइडरमैन फैमिली, इनह्यूमन, और फिर कई सारे बड़े विलन्स जैसे कि डॉक्टर डूम, बियॉन्डर और ना जाने कौन कौन। अब मार्वल कॉमिक्स में तो ये इवेंट बियॉन्डर के जरिए मार्वल यूनिवर्स के सारे हीरोज और विलन्स को बैटल वर्ल्ड नाम के प्लेनेट पर ले जाकर आपस में लड़वाने पर बेस्ड है। अब मार्वल स्टूडियोज इसे कैसे दिखाते हैं, ये सोचना मजेदार है। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 अपनी डिसाइडेड डेट यानी कि 7 मई 2027 और जिसके तुरंत बाद 2028 में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 आएगी। अब मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स 5 की भी तुरंत अनाउंसमेंट करेंगे, बट आने वाले दिनों में, जिसे अब एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी शायद नहीं कहा जाएगा, जिसे 1 मई 2026 को रिलीज होने का गेस लगाया जा रहा है। मगर सीक्रेट वॉर्स के रिलीज से पहले मार्वल स्टूडियोज के पास दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ है। इतने सारे सुपर हीरोज का क्रॉस ओवर होना अभी बाकी है, मगर इतने कम टाइम में इतना सब कैसे होगा। सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी में दिखाने के लिए काफी कुछ है, जैसे स्पाइडरमैन के पास सिम्बियोट सूट था, मगर उसे पता नहीं था कि उसका ब्लैक सूट एक लिविंग क्रिएचर है। और क्योंकि ये इवेंट हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अर्थ 616 में होने जा रहा है, और इस अर्थ का स्पाइडरमैन यानी कि टॉम होलैंड अभी इस वेनम सूट से बिल्कुल अनजान है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब आने वाले स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फ्रेंचाइजी में हमारे स्पाइडरमैन को ये वेनम सूट कैसे मिलता है, जो कि काफी मजेदार होगा। सीक्रेट वॉर्स इवेंट में काफी बड़े बड़े जीनियस लोग थे, जैसे मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर डूम और हमारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन। अब मगर आयरन मैन तो लिफ्ट से बाहर है, तो ऐसे में बिना टोनी स्टार्क के ये इवेंट कैसे पॉसिबल है। भाई इतना बड़ा इवेंट है और ऐसे में मेन गेस्ट को नहीं बुलाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। साथ ही मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग बियॉन्डर को इंट्रोड्यूस करना तो अभी बाकी है, जिसने ये पूरा खेल ही रचा था। अब भाइयों, ऐसे में इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना तो काफी चैलेंजिंग है। हाँ, पर अब ये तो कंफर्म है कि एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के बाद मार्वल स्टूडियोज के पास हमारे लिए बहुत कुछ होगा, जैसे वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी, किंग इन ब्लैक जैसे बड़े इवेंट। ओ माय गॉड, सोचकर ही अच्छा लग रहा है। और आने वाले 4-5 सालों में मार्वल हम सबको सरप्राइज करने वाला है, जैसे कि फैंस, आप और मैं सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। डेडपूल 3 को देखते हुए ये लग रहा है कि खेल अब शुरू हो गया है, क्योंकि डेडपूल 3 के पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन शायद 2 सबसे बड़ी सुपर हीरो टीम के बीच एक मेजर क्रॉस ओवर को पक्का कर सके। हो सकता है डेडपूल मूवी के अंदर कोई ऐसा चमत्कार हो जो हमें सीधा एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जाए, मगर इससे पहले हमें चाहिए हमारा पहले वाला ब्रूस बैनर, आयरन मैन, वो भी जिंदा। एआई या कोई और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। कैप्टन अमेरिका अपने रियल फॉर्म में, और नताशा नहीं भी होगी तो चलेगी, उसका रोल कोई और प्ले कर लेगा। और निगेटिव रोल की बात करें तो डॉक्टर डूम, वो भी महंगा वाला, सस्ता तो भाई नहीं चलेगा, क्योंकि स्टोरी का मेन विलन वही है। और लास्ट में न्यूज अपडेट यही है कि लोकी सीजन के राइटर माइकल वेलरॉन एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स दोनों लिखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई और न्यूज मिले तो मुझे बता दीजिएगा। आई लव यू 3000। और क्योंकि आप भी मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, बिकॉज यू आर मार्वलस।